आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। बता दें कि शालीमार गार्डन इलाके में रहने वाले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रिजवान खान मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रिजवान के चेहरे और सिर से खून टपक रहा है। बताया जा रहा है कि रिजवान ने शालीमार गार्डन में दुकान किराए पर ली थी, जिसको लेकर दुकान के मालिक और रिजवान के बीच विवाद चल रहा था। इसी को लेकर मारपीट हुई। फिलहाल इस मामले में 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शालीमार गार्डन की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर 2 बच्चों के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के संबंध में पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि रिजवान अहमद और अब्दुल साबिर के बीच दुकान के स्वामित्व और किराए को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें अब्दुल साबिर ने सुनियोजित तरीके से कई महिलाओं को एकत्रित करके रिजवान अहमद के साथ मारपीट की। इस संबंध में रिजवान अहमद से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ेंगे। प्रवीण, देखा जाए बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए नंदनी, आपको बता दूं ये बीजेपी के नेता रिजवान खान मीर हैं, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं बीजेपी में। कहीं ना कहीं इनके साथ जो एक मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें खासतौर पे देखा जा सकता है कि एक जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था। हालांकि दुकान थी आमने सामने, जहां पर एक दुकान किराए पे ली गई थी इनके द्वारा। जब इस दुकान पे कब्जा करने की इनके तरफ से जो एक कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर जो वहां पर महिलाएं एकत्रित हुई थी और कुछ लोग थे वहां पर, पहले से ही इनके साथ हाथापाई हुई। कहा सुनने के बाद इनके साथ ऐसी हाथापाई हुई कि जो रिजवान है बीजेपी के बड़े नेता बताए जा रहे हैं, और खासतौर पे इनके साथ जिस तरह से हाथापाई हुई उसमें ये लहूलुहान हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से इनको चोटें पहुंचाई गई हैं। हालांकि इनके तरफ से दी गई तहरीर के बाद अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, उस पर पुलिस जुट गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो इनके साथ मारपीट की गई है, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है लगातार। कहीं ना कहीं इन्होंने जो रिजवान है, रिजवान खान जो बीजेपी के नेता है, इन्होंने अपने फेसबुक पेज से भी एक मैसेज इन्होंने डाला था। उसमें खासतौर पर इन्होंने लिखा था कि मेरी जान का खतरा है, मुझे मदद की जरूरत है, यानी कि साफ तौर पर अपने नंबर भी इन्होंने वहां पर लिखे थे। लेकिन कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, इन्होंने अपनी फेसबुक जो पोस्ट इन्होंने डाली थी उसको डिलीट कर दिया गया। अब ये नहीं बता सकते कि आखिर किस दबाव में इन्होंने आकर ये पोस्ट डिलीट करी। कह सकते हैं कि पुलिस के दबाव में भी हो सकता है, या अपने व्यक्तिगत उनकी कुछ जो भी राय रही हो, उसके बाद इन्होंने अपने फेसबुक पेज से वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नेता की इस तरह से जो ये चीज देखी गई है कि इस तरह से कब्जे को लेकर जो बातचीत चल रही थी, कि एक जमीनी मुद्दा था जो कि दुकान पे कब्जा करने की बात कही गई थी, उसके बाद उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें फिर MMG अस्पताल भेजा जाता है और मेडिकल के बाद अब जो भी अवैधानिक कार्रवाई होगी उन लोगों को, जो लोग जिन्होंने हाथापाई करी है, जो वीडियो में खासतौर पर दिख रहे हैं। जी प्रवीण, प्रशासन की तरफ से आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए नंदिनी, आरोपियों को अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, क्यों इनके साथ हाथापाई की, क्योंकि रिजवान खासतौर पे वीडियो में पिटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो खासतौर पे रिजवान की तरफ से ही जो बीजेपी के नेता है उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद ACP ने खुद बाइक जारी करके पूरे मामले को संज्ञान में लिया। उसके बाद जो लोग जिन्होंने मारपीट की उनको हिरासत में लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है पुलिस। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। BSP सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद रविवार रात डॉक्टर प्रज्ञा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। गुरुग्राम के एबीएस मॉल के पीछे A. कॉन्वेंश में उनकी शादी समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जहां वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए मायावती शादी समारोह में पहुंची। बता दें कि शादी समारोह में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे हुए थे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कपूरथला का निरीक्षण किया है। बता दें कि अब कपूरथला बाजार सीबीडी की तर्ज पर विकसित होगा, जिसके तहत भारी ट्रैफिक के चलते मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही फुटपाथ से कब्जों को हटाकर बैरियर फ्री पेमेंट तैयार भी किया जाएगा। इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कपूरथला मार्केट का निरीक्षण किया है, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए तो कपूरथला बाजार को अब विकसित किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए नंदिनी, आपको बता दूं कि सीबीडी की तर्ज पे ये कपूरथला बाजार को विकसित किया जाएगा। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था करने की प्लान बनाया जा रहा है, और लीज प्लान का परीक्षण करने के बाद जो पार्किंग भी वहां से हटाए जाएंगे, जो अवैध कब्जे हैं, जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा, फुटपाथ से जो कब्जे हैं उनको भी हटा करके कहीं ना कहीं मल्टी लेवल पार्किंग की भी व्यवस्था वहां करने की बात कही जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने कपूरथला मार्केट का जो निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वहां पर पूरी तरीके से मुआयना किया जाए, मल्टी लेवल पार्किंग कहाँ की जाए, क्योंकि कपूरथला बाजार में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीड़ अब इकट्ठा होने लगी है, जाम की स्थिति पैदा होने लगी है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रमुख कमर्शियल हब में से ये कपूरथला बाजार को सीबीसीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाने की पूरी बात कही जा रही है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मल्टी लेवल पार्किंग और पिंक टॉयलेट आदि का निर्माण भी कराया जाएगा, साथ ही जो फुटपाथ से अवैध कब्जे हैं उनको हटाकर पैदल यात्रियों के लिए बैरियर में फ्री पेमेंट तैयार किया जाएगा, यानी पैदल पथ बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कपूरथला बाजार को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो मीटिंग की है, इस मीटिंग में अब ये साफ नजर आ रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं रौनक आने वाली है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, निरीक्षण के बाद व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया, अधिकारियों के संबंध में निर्देश भी दिए गए कि कहीं किसी भी व्यापारी कोई दिक्कत ना होने पाए। फिलहाल स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण के बाद मल्टी लेवल पार्किंग कहां पे बनाया जाएगा इसको लेकर के चर्चा चल रही है। आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा कि किस जगह पे पार्किंग होगा और बाजार को कैसे और सुसज्जित किया जा सकेगा। जी रितेश, क्या कपूरथला के बाद भी कुछ लखनऊ के ऐसे बाजार होंगे जिसको इसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? देखिए आज बात की जाए अगर लखनऊ में तो बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे अगर महानगर की बात की जाए गोल मार्केट की, तो वहां पर पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अमीनाबाद है तो वहां पर भी की गई। अभी तो अछूता था कपूरथला बाजार जो है, ये कहीं ना कहीं मल्टी लेवल पार्किंग से अछूता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बड़ी बड़ी मार्केट है, तो एक बीच जो ठहराव है अलीगंज का, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होनी आवश्यक थी, जिसको लेकर के निरीक्षण किया गया। फिलहाल अभी लखनऊ में कुछ और भी ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्थाएं बनाई जाए तो हो सकता है, क्योंकि देखा जाए कि जिस तरीके से गाड़ियों की भरमार लगातार हो रही है, लोग खरीदारी करने आते हैं, अगर कहीं बाजार बन जाती है बड़ी तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में बदलती है। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूरी तरीके से अब यहाँ पर लगे अतिक्रमण को हटाने की बात कही है, और वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग उसको बनाने की भी बात कही जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने एसएसबी अधिकारियों के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर सहित सीमांत क्षेत्रों में संयुक्त पैदल गश्त किया। इस दौरान बॉर्डर क्षेत्र के विभिन्न आवागमन के मार्गों पर भ्रमण कर इन क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही चेक पोस्ट पर सतर्क और मुस्तैद रहकर संदिग्ध की कड़ी निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र के डकौली गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। ग्रामीणों ने फायर विभाग को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने तक 21 घरों में लाखों का नुकसान हो चुका था, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को घर में रखा अनाज सहित गृहस्थी उनकी खाक हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया। फिलहाल आग लगने की घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बिजनौर में लापता युवक का शव संदिग्ध हालत में जंगल में पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि हेमपुर दीप थाना क्षेत्र के गांव ढोलनपुर निवासी का शव फैजीपुर खादर के जंगल में पड़ा मिला। व्यक्ति दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए दो लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और एसपी ग्रामीण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा भी लिया और जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जब रूप सनाप लल्लू सिंह निवासी डोलनपुर थाना हेमपुर दीपा, उम्र लगभग 50 वर्ष, दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कल प्रातः 7-8 बजे ये काम पर निकले थे लेकिन सायं अपने घर नहीं आए। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इनका शव सलेमपुर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना हेमपुर दीपा की पुलिस एवं इनके परिजन तथा अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इनके परिजनों द्वारा इनके सहकर्मियों बाबूराम एवं सियाराम पर शक करते हुए कि इनके द्वारा ही हत्या की गई है, एक तहरीर थाना हेमपुर दीपा पर दी गई जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसकी सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।